ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को विद्यालय में किया बंद, 21 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू। मामला जनपद बहराइच के थाना जरवल रोड के सबसा गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। सुबह विद्यालय खुलने पर आवारा मवेशियों को विद्यालय प्रांगण में देख अध्यापकों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। तब तक बच्चे सड़क पर घूमते रहे। सूचना पर पहुंचे खंड विकास अधिकारी जरवल SP पांडे ने स्कूल में कैद जानवरों को निकालकर गाड़ियों से गौशाला भेज दिया है। पढ़ाई बाधित करने का आरोप लगाते हुए प्रधान अध्यापक ने अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध थाने पर तहरीर दी है। शिक्षा क्षेत्र जरवल के प्राथमिक विद्यालय सबसा में सोमवार को जैसे ही प्रधान अध्यापक सर्वेश कुमार वर्मा ने पहुंचकर सुबह 7:30 बजे विद्यालय का ताला खोला, ग्रामीणों ने क्षेत्र के आवारा मवेशियों को इकट्ठा कर विद्यालय में कैद कर दिया। मवेशियों के चलते अध्यापक व बच्चे सड़क पर घूमते रहे। सूचना पाकर मौके पर उप निरीक्षक RD यादव ने तथा खंड विकास अधिकारी SP पांडे ने पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों से फसल नुकसान की बात कहते हुए गौशाला भेजने की मांग की। ग्रामीणों की मांग पर खंड विकास अधिकारी जरवल सत्यप्रकाश पांडे ने गाड़ी मंगवाकर मवेशियों को गौशाला भेजवाने का काम शुरू कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी जरवल संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, ग्रामीणों द्वारा इस प्रकार की हरकत करना निंदनीय है। प्रधान अध्यापक द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई है। प्रभारी निरीक्षक जरवल रोड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधान अध्यापक की तहरीर पर 21 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार सोनी। आए रे बड़ी तेज़ में बड़ी